तो यहाँ पर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह से आपने फोल्ड करना है। और ये आप 3 इंच चौड़ाई 4 इंच चौड़ाई ले सकते हैं। फिर इसको इस तरह से तिरछा कट किया है, यहाँ से राउंड शेप, ये गले से जो निकला होता है पीस उसको मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपने एकदम गोलाई में कट कर लेना है। दोनों साइड से जो पतली सी जो आपको दिख रही है वो पार्ट्स रहनी चाहिए, इसको इस तरह से रखना है। और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, कोन वाला पार्ट छोड़कर जो राउंड वाला शेप है उसे हम सिलाई लगा देंगे, पूरा का पूरा सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने इसको सिलाई लगा लिया है तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको कट कर देंगे, साइड कर देंगे। और अब हमें इसे पलटना है इस तरह से, पूरा इसको बाहर की तरफ निकालेंगे पलटकर। और अभी पलटने के बाद ये देखिए इस तरह से इसका शेप बन रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सुई धागा लेना है और यहाँ से शुरू करना है ओपन साइड से, इसको इस तरह से गैदरिंग करना शुरू करना है। पूरा इसी तरह से इसको इकट्ठा करते जाएंगे, अच्छे से इसकी जो दोनों सिलाई है ना इसको मिलाते हुए हम इसको सिलाई करते जाएंगे। पूरा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसको इस तरह से खींचेंगे धागा को, और इधर वाले धागे को पकड़ेंगे और इसी दोनों को हमें इस तरह से गांठ लगा देना है। अच्छे से गांठ लगाने पर ये क्या होगा, इस तरह से ये एक शेप बन जाएगा। और अब धागा को कट कर दें या फिर आप इसके साथ ही डोरी को अटैच कर दें। सुई से करना चाहते हैं या मशीन से, जिससे मन उससे कर सकते हैं। तो इसे मशीन से अटैच कर लेते हैं हम डोरी को, बीच में रख के डोरी को हम इस तरह से सी लेंगे। डोरी लग चुकी है तो अभी हमें इसको थोड़ा सा और लुक देने के लिए जहाँ पे डोरी को जो लगा हुआ है वहाँ पर हम एक बटन सा लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो डोरी की लुक अच्छी आ जाएगी। और अब क्या करेंगे, फिर से हमने धागा जो है जो यहाँ पर निकाला हुआ था उसी धागा को फिर सुई में डालकर यहाँ पर इस बटन को टाक लेंगे। और इस तरह से जो है हमारी ये लटकन सिंपल सी ब्लाउज़ के लिए बन जाती है। आप चाहें तो इसे सूट में भी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।